हे गाइस, वेलकम बैक चैनल। दिस इज टी एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तीसरा जो अपना टॉपिक था, एफिलिएट मार्केटिंग जो सीरीज चल रही है यहाँ पर। अगर आप पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल को, तो आपने दो वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग की मिस कर दी है, जिसको आपको देखना पड़ेगा, तब आपको ये जो तीसरी वीडियो है वो समझ में आएगी। तो दो जो वीडियो है वो बैक टू बैक है। इससे पहले जो दो वीडियोज हैं वो आपको जाकर देखना है, जिसमें मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का शुरुआत किया है, बेसिक्स बताया है, और उसके बाद ये जो तीसरी वीडियो आ रही है जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीश और प्रोडक्ट फाइंडिंग, मतलब दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और देखो कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। लेकिन ऐसे एक चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ इस वीडियो में मैं मतलब किसी साइट पे जाके आपको नहीं बताने वाला कि ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है, ठीक है। नीश बहुत तरह का हो सकता है, बहुत ज़्यादा तरह का, ठीक है। कुछ भी चीज़ नीश और प्रोडक्ट, ये दो चीज़ पे मैं आपको इतना डिटेल दे दूंगा इस वीडियो में कि आप देख के चीज़ों को समझ जाओगे कि आपको क्या सेल करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये भी सजेस्ट कर दूंगा कि कौन से आपको टूल्स यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाने में बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करता है। कल मेरी तबीयत खराब थी, आज भी थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियोज बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ मैं अच्छा दे सकूँ, अच्छी वैल्यू दे सकूँ, जिसे आप अपने लाइफ में यूज़ करके थोड़ा अपग्रेड कर सको। बस थोड़ा ही आई थिंक अपग्रेड कर पाओगे, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा खजाना नहीं है नॉलेज का। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे नीश। नीश कैसी होनी चाहिए, व्हाट इज नीश, ये है क्या, ठीक है। तो नीश गाइस क्या है, आप इसको सब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज। जितना ज़्यादा कॉमन बना सको उतना ज़्यादा कॉमन बनाने की कोशिश किया करो। आप इसको बोल सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है। एक ऐसा सब्जेक्ट जैसे स्कूल में होता था ना, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, सब्जेक्ट, वैसे ही एक सब्जेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग में आपको होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑटोमोबाइल, टेक्निकल, आपका हेल्थ, ठीक है, हेल्थ फिटनेस, जो भी, कुछ भी, बहुत ज़्यादा वाइड है, कुछ भी आप कर सकते हो। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें नीश में आती हैं। अगर आपको पसंद है क्रिकेट खेलना, तो वो भी आपका एक नीश है, एक स्पोर्ट्स है, ठीक है, उसको भी आप अपने नीश में इंक्लूड कर सकते हो। मतलब नीश बहुत सारी है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है। जैसे सबसे बहुत जो वाइड नीशेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वो कौन सी नीश है। अगर आप चाहो तो इस नीश में जाके आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रखना आप वही नीश में जाना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें बेस्ट हूँ, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो कुछ और। अभी जो टॉप नीश चल रही है वो तीन नीश है। सबसे पहले तो वेल्थ, ठीक है, जो हम लोग ऑनलाइन में प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कैसे पैसे क्रिएट करने। दूसरा आपका हेल्थ, ठीक है, बहुत वाइड, मतलब ट्रिलियन की एक इंडस्ट्री है, मल्टी बिलियन में बोल सकता हूँ, ट्रिलियन तो नहीं, मल्टी बिलियन की एक इंडस्ट्री है हेल्थ। और जो तीसरी चीज़ है वो गेमिंग। तीन जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अभी टॉप पे चल रही है। इन तीनों में आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। और जो मतलब ऐसा चीज़ आपको चूज़ करना है जहाँ से आपको लगे कि कॉम्पिटिशन भी कम है, ठीक है, और उसमें आप ही आप हो, ठीक है। मतलब कि मान लो एक बहुत ही यूनिक पेन है, पेन वैसा पेन कोई और नहीं बना रहा है, ठीक है। जैसे टेस्ला क्या है, एक कार है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार, लेकिन वैसी इलेक्ट्रिक का कोई और कंपनी नहीं बना रही है। तो मतलब जितने भी लोग, अगर कम लोग भी रहेंगे, मतलब उनके पास अगर लाख लोग भी हैं जो उनके कस्टमर हैं, तो उनका बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि वो उनके ही हैं। तो ऐसा ही नीश आपको भी उसमें चूज करना है जो लोग आपके ही हों, कंपटीशन कम हो। तो वैसे ही नीश को फाइंड करने की कोशिश करो। अब मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और भी क्लियर हो पाएगा चीज़ें कि कैसे आपको काम करना है। क्योंकि देखो नीश और प्रोडक्ट चॉइस, ठीक है, ये बहुत बड़ी वाइड टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं इनको आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखो और जो जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसको लिखो और उसको फॉलो करो जब आप इस चीज़ को चुनने जाते हो, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन द बोट।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं बता रहा हूँ, ऐसा प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ जिसको आपको प्रमोट वेबसाइट पे और ब्लॉग पे करना है, ठीक है? क्योंकि अगर वेबसाइट और ब्लॉग पे आप नीश और प्रोडक्ट की बात करोगे तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो होगी, और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह आपको नहीं बताना होगा, क्योंकि वहां गाइज आपको एक चीज मतलब एक कोई प्रोडक्ट पे फाइंड एक कोई प्रोडक्ट पे पूरा ब्लॉग बनाना पड़ता है। अगर मान लो आप कोई पेन बेच रहे हो तो आपको पूरा ब्लॉक पेन का लेके चलना पड़ता है, ठीक है? तो वहां पर नीश का सिलेक्ट करना और आपका क्या बोलते हैं प्रोडक्ट का सिलेक्ट करना, ठीक है, दोनों ही अलग प्रोसेस है, ठीक है? तो मैं जो चीज बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ फनल पे काम आएगी, ठीक है? जो एग्जैक्ट प्रोसेस है एफिलिएट मार्केटिंग का उस पे काम आएगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आप उस पे बहुत सारी चीजों का हेल्प ले सकते हो, ठीक है? तो ये जो चीज है, जैसा कि मैं आपको बताया कि नीश आपको बहुत ज्यादा वाइड है और आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना है। जैसे कि हमारा जो नीश है, जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर जितने लोग हैं, और वो जितने लोग भी मेरे साथ अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं अपने फेसबुक पे, तो जो उनका नीश है वो उनका नीश है वेल्थ, ठीक है? तो हम लोग वो चीज लोगों को बेचते हैं जो उनके वेल्थ में उनको अपग्रेड करने में उनकी मदद कर सके, ठीक है? तो वो चीज हम लोग वहां पर सेल कर रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डरल, ठीक है? बिल्डरल क्या है? बिल्डरल तो आपको टूल्स को मतलब वो टूल्स को यूज करके आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो और अपने वेल्थ को बहुत ज्यादा गुना बढ़ा भी सकते हो। तो वैसे हम लोग इस चीज को इसलिए हम लोग उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो हमारा नीश क्या हुआ? वेल्थ। वैसे ही गाइज अगर आप एक मान लो एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप कोई बुक्स को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है? बुक्स आप लेके चल सकते हो। अब हाँ गैस कुछ भी आप कर सकते हो। हाँ, आप ये मत सोचना कि मैं बुक्स का उदाहरण दे दिया तो आप सोच रहे हो कि बुक्स कौन खरीदेगा। नहीं गैस, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एफिलिएट की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुक खरीदते हैं और बहुत सारे ऐसे मल्टी बिलियनियर हैं जो बुक बेचते हैं, ठीक है? और एक चीज और बता दूं, अगर अमेजोन आज खड़ा है तो वो बुक की वजह से खड़ा है। उसने अमेजोन जेफ बेजोस ने सबसे पहले बुक बेचना स्टार्ट किया था, ठीक है? तो बुक की भी एफिलिएट मार्केटिंग आप बहुत तगड़ी कर सकते हो, ठीक है? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बुक को लेके चल सकते हो। आजकल चल रहा है फिटनेस, तो अगर आपको जिम में इंटरेस्ट है तो आप जिम का प्रोडक्ट का एफिलिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लिक बैंक वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क, ठीक है? तो आपका नीश वो हो सकता है। लेकिन गाइज याद रखना, ऐसा चीज सिलेक्ट करना जिसमें कंपटीशन कम हो। आज के समय में कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा है तो एज अ बिगिनर आपको खड़े होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है? तो ऐसी चीज करना। और अगर कंपटीशन वाली चीज चॉइस कर रहे हो तो याद रखना 99.9% वो जो आपकी चीज है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, नीश है, वो बहुत बेटर होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल दूं तो क्लिक फनल्स और बिल्डरल, ये इतने बेटर हैं कि कोई इनको खड़े होके बोल नहीं सकता कि ये यहाँ से खराब है, ठीक है? तो ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्शन करना जिसमें हर आपका वॉर मतलब आप जहां तीर लगाओ वहां से आपको रिजल्ट मिले ही मिले। आई थिंक आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। उस कंपटीशन में जाना, और ऐसे कोई कंपटीशन में जाना जहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है और वो जो प्रोडक्ट है या वो नीश है वो 80% ही गुड है, तो ऐसे कंपटीशन में मत जाना। अब ये चीज हो जाएगी, ठीक है? आपका जो भी नीश है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। जो दूसरी चीज आती है गाइस, जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ढूंढने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे समझना है उन चीजों को, ठीक है? अगर आप एक प्रोडक्ट चॉइस करने जाते हो, अब याद रखो जो चीज मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि आपको बिल्डर में बता दिया तो आपने बिल्डर को ले लिया और आप उस पर काम करने लगे, ठीक है? क्योंकि बिल्डर तो एक प्रोडक्ट है, ठीक है? लेकिन आपको एक प्रोडक्ट में आपको पूरा लाइफ नहीं बिताना है, ठीक है? आपको बहुत सारे काम करने हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, बहुत सारा प्रोडक्ट सेल करना है, तो एक प्रोडक्ट में तो आपका लाइफ नहीं चलेगा, ठीक है? तो वो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ आपको बहुत सारे प्रोडक्ट और भी ढूंढने पड़ेंगे। तो उन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उनको आप कैसे फाइंड करोगे, वो चीज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो चीज है गाइस, नीड नीड इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्या मार्केट को आपके प्रोडक्ट की नीड है?
अपने सामने क्वेश्चन लिखो, अपना नोटबुक लो, जब आप कोई प्रोडक्ट को जेवीयू, क्लिक बैंक, मैक्स बॉन्टी कहीं पर भी फाइंड करने जाते हो तो अपने सामने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखो, क्या इस प्रोडक्ट की जरूरत लोगों को है, फर्स्ट थिंग। जो दूसरी चीज होगी गाइज, एकदम सही और साफ शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आप भी ऐसे ही समझ के काम करना। जो दूसरी जो चीज है, क्या मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो दूसरों का, ठीक है, जो वो चाहते हैं वो चीज फुलफिलमेंट करता है या नहीं। साफ शब्दों में आपको कह रहा हूं, लिख लो, ठीक है, करता है कि नहीं, उनका जो नीड है उसको फुलफिलमेंट करता है कि नहीं। पहले नीड अलग चीज है, फिर उनके नीड को फुलफिलमेंट करता है कि नहीं, ये अलग चीज है, ठीक है। यहाँ दो बातें याद रखना। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप एक न्यू मार्केटर हो, ठीक है, तो आप अपसेल नहीं कर सकते। व्हाट इज अपसेल? अपसेल वो चीज है कि आप बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ठीक है। आप शुरू में सस्ता प्रोडक्ट बेचना है, मतलब $100 के नीचे आपको प्रोडक्ट बेचना है, $100 से नीचे, ठीक है, इतना नीचे। मतलब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो काफी अच्छा और इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट ढूंढने के बाद जब ये तीनों नीड फुलफिलमेंट हो जाएगी तो आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना है। गाइस देखो, ये जो पॉइंट है कोई भी एफिलिएट मार्केटर आपको नहीं बताया होगा आज तक, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। गारंटी क्या, चैलेंज देता हूँ। कोई भी, सब बोलते हैं कि प्रोडक्ट को यूज करना फिर उसके बाद सेल करना, लेकिन ये फोर्थ स्टेप है प्रोडक्ट का। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के बाद ये फोर्थ स्टेप है कि जो आपको पूरा करना है। कोई भी प्रोडक्ट हो जिसको आप सेल करने जाते हो, पहले उसको यूज करो, चाहे वो फ्री ट्रायल में करो, क्योंकि आपको ज्यादा दिन तक उसका यूज नहीं करना। आपको बस देखना है क्या वो वाकई में काम करता है। आप उसके वेंडर से बात करके उस प्रोडक्ट को ले सकते हो, या तो आप उसको खरीद सकते हो, या तो उसके ट्रायल पीरियड में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको पूरा समझना है कि एग्जैक्टली वो काम करता है या नहीं। तो जब ये चारों चीजें फुलफिलमेंट करें आपके दिमाग को, फिर उसके बाद चौथी जो चीज है, पांचवी जो चीज है वो है मार्केट। आपको मार्केट में प्रोडक्ट डालना है अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढ के। ये दोनों अलग टॉपिक है जिसकी बात अभी हम नहीं करने वाले। तो ये जो चीज है, ऐसे करके आप प्रोडक्ट को फाइंड करोगे, ठीक है। ये पूरा सर्कल आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। तो ऐसे करके पूरा चीज काम करता है। अब आप नीड को पहचानोगे कैसे, कैसे करोगे? तो इसके लिए दो वेबसाइट्स हैं। पहली वेबसाइट आपके सामने है एजाइन आर्टिकल, और जो दूसरी वेबसाइट है वो है क्योरा, QURA, क्योरा। तो मैं क्योरा में आपको दिखाता हूं और भी। तो पहली एजाइन है, ठीक है, एजाइन आर्टिकल्स, और दूसरा क्योरा.com। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग मेरा एक सब्जेक्ट है, नीश है, तो मैं उसको टाइप करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, लोग बहुत आर्टिकल डालते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका नीश है उसके अकॉर्डिंग जाके इस चीजों को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लोग कहाँ प्रॉब्लम झेल रहे हैं, कहाँ स्टक हो रहे हैं, उसको नोट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके एजाइन आर्टिकल, क्योरा और गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड का लोग यूज बोलते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को फाइंड और नीश को फाइंड करने के लिए कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा गूगल ट्रेंड का यूज जब आप एजाइन और क्योरा का कर लोगे तब जाके गूगल ट्रेंड का यूज करना, क्योंकि वहां आपको ये पता चलेगा कि आप आपने जो चीज, जो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया है और जो लोगों ने लोगों का डिमांड है, वो चीज का फुलफिलमेंट, मतलब उस चीज का ट्रेंड है या नहीं, बस यही चीज होता है। और मैं बोलूंगा अगर आप बिगिनर हो तो आप गूगल ट्रेंड का यूज मत करो प्रोडक्ट और नीश फाइंड करने में, क्योंकि वहां थोड़ी चीजें जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आशा है कि आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होगी। अगर मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो मैं यही बोलूंगा कि वो प्रोडक्ट जो लोगों की नीड पूरा करता हो,
कम पैसे में अवेलेबल हो और किफायती हो, ठीक है? ऐसा प्रोडक्ट आपको चाहिए। और नीश एक लाइन में बोलूंगा, सटीक लाइन बोलूंगा, जो आप जिस चीज को प्यार करते हो वो आपका नीश, ठीक है? और एक चीज और बोलूंगा लास्ट में, देखो ये सब चीजें तो लोगों को आप अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हो, बेस्ट चीजें प्रोवाइड करो अपने कंज्यूमर को, लेकिन एक चीज याद रखना कि जो भी प्रोडक्ट आप चूज करो, कम से कम उसमें आपका जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। क्योंकि भाई मोरल और हम जो इतना काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 50% कम से कम आप हर प्रोडक्ट में से लेने की कोशिश करो। मतलब जो भी प्रोडक्ट चूज करो, जो भी जितने का भी हो, वो $30 तक आपको तो दे ता ही हो, ठीक है? $30 तक। मतलब गाइज अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत की वैल्यू जो है वो हमारे पास आनी चाहिए। आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि गाइज हम लोग इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि हमको कुछ मिले, राइट? एग्जैक्ट जो फैक्ट है हम उस पर बात करते हैं, मिले। तो इतनी मेहनत हम लोग इसीलिए किए हैं। तो हमेशा कोई भी प्रोडक्ट चूज करो, जब ये सारी जो चीजें हैं वो आप फुलफिलमेंट हो जाए, तो आप उसके बाद ये भी देखो कि क्या वो आपको 50% दे रहा है, क्या वो आपको $30 से ज्यादा दे रहा है। तभी आप 4-5 सेल करके आराम से $200-$300 अर्न करोगे और मंथली आप जाके 6 फिगर अर्न करोगे। बोलना आसान, करना कठिन, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि आप कर ही नहीं सकते। इजी इजी इजी, हमेशा बोलो इजी, और आराम से आप करोगे अगर आप एक्शन लोगे। तो आशा है कि इस वीडियो के बाद आप जाके एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, अपने नीश को फाइंड करोगे और अपने प्रोडक्ट को भी फाइंड करने की कोशिश करोगे। और नीचे कमेंट करोगे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो, और प्लीज कमेंट और लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि आपका एक कमेंट 1 लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उन लोगों को इस वीडियो तक पहुंचा या तो ये वीडियो उनको दे दो, ठीक है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।